नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेस्ट फार्मिंग टिप्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुलसी के बारे में और साथ ही साथ तुलसी के पौधे को सीड से भी ग्रो करना बताएंगे। तो मैंने कुछ मंजरी ली हुई हैं जो तुलसी के पौधे पर आती हैं, ये देखिए। तो मैं इनमें से तुलसी के सीड निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, तुलसी की सीड आपको इस तरह से निकालनी है। दोस्तों, आप ब्लैक कलर के जो सीड देख पा रहे हैं वो तुलसी की सीड है। तो दोस्तों, मैं तुलसी की सीड जल्दी से इसमें से निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, ये लीजिए, मैंने तुलसी की सीड निकाल ली है। सामने आप देख ही पा रहे हैं। अब दोस्तों, मैं दोस्तों इस पॉट में तुलसी की सीड ग्रो करूँगा। और दोस्तों, आपको एक लेना है कंकड़, जो इसमें होल है उस होल पर इसको रख देना है। तो दोस्तों, फिर मैं ली हुई है नॉर्मल गार्डन सोइल 30%, और लिया हुआ है कंपोस्ट 70%। आपको डीकम्पोस्ट गोबर खाद लेनी है, कच्ची गोबर खाद नहीं लेनी है। तो दोस्तों, जो हमारी कंपोस्ट है वो हम इसमें डालेंगे, एक लेयर सी बना लेंगे। कंपोस्ट डालने के बाद दोस्तों, आपको इसे हल्के हाथों से दबा देना है। तो मैं इसे जल्दी से दबा देता हूँ। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, मैंने जो कंपोस्ट दी उसे मैंने अच्छी तरह से दबा दिया है। तुलसी के सीड, ये देखिए दोस्तों, मैंने तुलसी के सीड ले लिए हैं। उसे चारों तरफ बिखेर दीजिए, इसमें इस तरह से आपको बिखेर देनी है। तो दोस्तों, जो तुलसी के बीज थे मैंने चारों तरफ बो दिए हैं, सामने आप देख ही पा रहे हैं। अब दोस्तों, आपको लेनी है कोकोपीट। मैंने कोकोपीट ली हुई है और कोकोपीट से इसे अच्छे से ढक देना है, एक लेयर बना लेनी है। तो दोस्तों, मैंने कोकोपीट की एक लेयर बना दी है। फिर दोस्तों, आपको वाटरिंग करनी होगी। वाटरिंग दोस्तों आप किसी फुव्वारे से कीजिए या फिर उस पर हाथ लगा कर कीजिए। सीधा पानी आपको नहीं देना है, और सीधा पानी आप देंगे तो उसमें गड्ढे भी हो जाएंगे कहीं जगह पर, और कहीं कहीं सीड बहुत हो जाएंगे, कहीं कहीं एक भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको फुव्वारे से पानी देना है। तो दोस्तों, वाटरिंग मैंने कर दी है, सामने आप देख ही पा रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ दिन का इंतजार करते हैं। तो चलिए, अपडेट के साथ मिलते हैं। और इसको आपको किसी छायादार स्थान पर रखना होगा। तो दोस्तों, ये 5 दिन बाद का अपडेट है। जो हमने तुलसी के सीड बोए हुए थे वो दोस्तों लगभग सभी जर्मिनेट हो गए हैं, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, फिर एक और अपडेट के साथ मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये दोस्तों 15 दिन बाद का अपडेट है। कुछ दिन पहले दोस्तों हमने तुलसी के सीड बोए हुए थे, वो दोस्तों लगभग सभी जर्मिनेट हो गए हैं और दोस्तों 3 से 4 पत्तियां भी निकल आई हैं, ये देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।